दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं, कहाँ पे हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ पे एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट, सारी की सारी बातें डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, एक एक पॉइंट को आपको बहुत समझना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, तभी आप एक अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेड ले पाओगे, अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट से निकाल पाओगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया मैंने, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ट्रेडिंग व्यू का एप्लीकेशन है। यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया 42,755 पे। आज के दिन हमने तलेगा मेंबर के साथ यहाँ पे एंट्री लिया था, यहाँ पे एग्जिट किया है। बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं मिला आज के दिन भी हमें, लेकिन प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ। यहाँ पे निफ्टी में भी हमने यहाँ पे एंट्री लिया था इस कैंडल पे, और यहाँ पे हमने एग्जिट किया है। निफ्टी में भी बहुत खासा प्रॉफिट नहीं हुआ है आज, लेकिन हमने पुट साइड कोई भी एंट्री नहीं लिया था आज तलेगा मेंबर के साथ। मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड सिस्टम में घूम रहा है दोस्तों। कल भी मार्केट ने साइडवेज मूवमेंट किया था फ्राइडे के दिन, और यहाँ पे आज भी साइडवेज ही चलता रहा, और उससे पहले भी साइडवेज ही मूवमेंट दिखा रहा है, ट्रैप कर रहा है मार्केट आजकल। तो हमें ज़्यादा मार्केट में मूवमेंट ढूंढने भी नहीं चाहिए, स्कैल्पिंग करके आउट होना चाहिए ऐसा लग रहा है मुझे। तो जितना हो सके आप स्कैल्पिंग ही किया कीजिए, स्कैल्पिंग में जो प्रॉफिट बनता है वो लेके आपको एग्जिट होना चाहिए आज की तारीख में। तो चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी कल के दिन किस तरह का बिहेवियर कर सकती है। यहाँ पे समझ लीजिए बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होके है, थोड़ा सा गैप ओपनिंग होके ओपन हो जाती है। जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगी 42,900 के लेवल को, प्राइस एक्शन बनने पे हम अपसाइड सी साइड बैठेंगे। यहाँ पे 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के पहला टारगेट हमारा होने वाला है 43,000 का लेवल। ये हमारे लिए रेजिस्टेंस के जैसे काम करने वाला है कल के दिन के लिए। तो हमें 43,000 का लेवल मार्क करके रखना है अपने चार्ट में। 43,000 का लेवल अगर ब्रेक कर जाता है इस तरह से बैंक निफ्टी, तो हमें अगला लेवल देखने को मिलेगा 43,180 का लेवल। और इससे बड़ा मूव अगर हम पाना चाहते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल है 43,560 का लेवल। यहाँ तक के लेवल आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएंगे। अगर आप बड़ा मूव कैप्चर करना चाहते हैं तो ये बड़ा मूव आप कैप्चर कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, अगर अपसाइड निकलेगी बैंक निफ्टी। तो समझ लीजिए बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होकर, थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग होकर ओपन हो जाती है। जैसे इस लेवल को ब्रेक करेगी जहाँ पर आज क्लोजिंग दिया है बैंक निफ्टी ने, ओपनिंग भी यहाँ पर दिया था और क्लोजिंग भी यहाँ पर ही दिया है बैंक निफ्टी ने, तो जैसे ही इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगी इस तरह से प्रोजेक्शन बना के नीचे आने की कोशिश करेगी, तो ये गैप फिल होते हुए दिखेगा हमें। जो ये गैप आज के दिन बैंक निफ्टी ने छोड़ा हुआ है वो फिल होते हुए दिखेगा, तो हम बिल्कुल इस गैप फिलिंग का फ़ायदा उठाएंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट डाउनसाइड करेंगे कल के दिन अगर नीचे आने की कोशिश करती है बैंक निफ्टी। तो पहला टारगेट हमारा हो जाएगा 42,500 का लेवल, जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन के निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी में, ये हमारे लिए पहला टारगेट होने वाला है कल के दिन बैंक निफ्टी में। दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है 42,260 का लेवल। तीसरा टारगेट है 42,000 का, जो राउंड फिगर लेवल है वो हमारे लिए तीसरा टारगेट होने वाला है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ तक के लेवल आपको बैंक निफ्टी दिखा सकती है। समझ लीजिए बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग हो जाती है इस लेवल के आसपास, यहाँ पे कोई बेयरिश कैंडल बनाती है 15 मिनट की, तो 15 मिनट की कैंडल क्लोज होते ही हम यहाँ पे पी साइड बैठेंगे। जैसे ही दूसरी या तीसरी कैंडल ब्रेक करेगी उसे पी साइड बैठेंगे। 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के पहला टारगेट आज का क्लोजिंग होने वाला है। दूसरा टारगेट हम गैप फिलिंग का उठा सकते हैं, यहाँ तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं 42,500 तक है। और तीसरा टारगेट है हमारे पास 42,260 का लेवल, यहाँ तक के लेवल आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएंगे कल के दिन अगर डाउन साइड आने की कोशिश करते हैं गैप ऑफ ओपनिंग होकर। तो समझ लीजिए बैंक निफ्टी यहाँ पे गैप ऑफ ओपनिंग होकर इस तरह से कोई बुलिश कैंडल बनाती है 15 मिनट की, तो 15 मिनट के कैंडल क्लोज होते हैं हम सी साइड बैठेंगे। पहले हम 43,000 का जो राउंड फिगर लेवल है यहाँ तक का टारगेट बुक करेंगे, और फिर दूसरा टारगेट जो है हमारे पास यहाँ पे अपसाइड निकल के आ रहा है 43,183 का लेवल। तीसरा जो टारगेट है मैंने आपको बताया हुआ है बैंक निफ्टी में, वो टारगेट है यहाँ पे 43,560 का लेवल, यहाँ तक के लेवल हमें देखने को मिल जाएंगे बैंक निफ्टी में अगर अपसाइड निकलने की कोशिश करती है गैप ऑफ ओपनिंग होके। तो समझ लीजिए बैंक निफ्टी यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हो जाते हैं इस लेवल के आसपास, यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होकर कोई बुलिश कैंडल बनाते हैं 15 मिनट की इस तरह से, तो 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है हम सी साइड बढ़ेंगे। 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के पहला टारगेट हमारा आज का क्लोजिंग होने वाला है। दूसरा टारगेट हो जाएगा 43,000 का लेवल, और तीसरा जो टारगेट है यहाँ पे 43,180 का लेवल होने वाला है। समझ लीजिए बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग होकर इस तरह से कोई बेयरिश कैंडल बनाते हैं 15 मिनट की, तो 15 मिनट की कैंडल क्लोज होते हैं पी साइड बैठेंगे हम दूसरी तीसरी कैंडल पर, और स्टॉप लॉस हमारा 30 से 40 पॉइंट का होने वाला है। नीचे जो हमारे पास सपोर्ट निकल के आ रहे हैं बैंक निफ्टी में वो है 42,260 का लेवल, पहला लेवल ये होने वाला है, और दूसरा जो लेवल है हमारे पास 42,000 का राउंड फिगर लेवल है, यहाँ तक के टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे बैंक निफ्टी में। चलिए देख लेते हैं निफ्टी में क्या लेवल निकल के आ रहे हैं, कहाँ पे हम निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं।
दोस्तों, अगर आप स्ट्रेटेजीज की वीडियोस देखना चाहते हो तो आई बटन में मिल जाएगी, मेरे आई बटन में जाके आप स्ट्रेटेजीज के सारी वीडियोस देख सकते हो। इंडिकेटर वाले वीडियो भी है, बिना इंडिकेटर के भी आप अच्छे खासे स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हो। जो स्ट्रेटेजी आपके लिए वर्क करती है वो स्ट्रेटेजी आपको यूज़ करनी है लाइव मार्केट में। और अगर आप सारी की सारी स्ट्रेटेजी की वीडियो देखना चाहते हो तो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो सारी वीडियो देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, टेलीग्राम के साथ ज्वाइन होकर लाइव मार्केट में अपडेट सीख सकते हो, लाइव मार्केट में एनालिसिस सीख सकते हो। और जो भी अपडेट मुझे मिलती रहती है वो मैं लाइव मार्केट में देती रहती हूँ, तो आप अगर अपडेट पाना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं निफ्टी में क्या लेवल निकल के आ रहा है। वीडियो के बीच में मैं एक टिप देने वाली हूँ आपको, जो टिप आपको बहुत ही यूज़फुल होने वाली है कल के दिन एक अच्छी खासी प्रॉफिटेबल ट्रेड लेने के लिए, तो टिप को आपको ज़रूर सुनना है। समझ लीजिए निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होकर या थोड़ा सा गैप ओपनिंग होकर ओपन हो जाती है। जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगी, 18,150 के लेवल को ब्रेक करेगी, तो हमें नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा यहाँ पे 18,160 के आसपास के लेवल को। अगर ब्रेक कर जाती है निफ्टी यहाँ पे, तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस बन के निकल के आ रहा है निफ्टी में, 18,183 का मुझे पहला रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है यहाँ पे, 18,242 का दूसरा रेजिस्टेंस है, 18,317 का तीसरा रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है निफ्टी में। समझ लीजिए निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होकर थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग होकर ओपन हो जाती है। जैसे इस लेवल को ब्रेक करेगी 18,080 के लेवल को, तो हम पुट साइड बैठ सकते हैं 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के। हमारा पहला जो लेवल होने वाला है सपोर्ट बन के जो निकल के आ रहा है निफ्टी में, वो है 18,000 का जो राउंड फिगर लेवल है। यहाँ तक मूवमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे निफ्टी में। अगर डाउन साइड आने की कोशिश करते हैं निफ्टी, तो हमें 18,000 का पहला सपोर्ट रहेगा। और दूसरा जो सपोर्ट निकल के आ रहा है निफ्टी में वो है दोस्तों यहाँ पे 17,930 का लेवल है। तीसरा सपोर्ट है हमारे पास 17,866 का लेवल। यहाँ तक के लेवल आपको निफ्टी दिखा सकती है। अगर पुट साइड आने की कोशिश करती है तो हम पुट साइड एंट्री ले सकते हैं। समझ लीजिए निफ्टी यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है। यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाते हैं 15 मिनट की, तो 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है। हम सी साइड बैठेंगे 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के। पहला लेवल हमारा होने वाला है 18,134 का लेवल, रेजिस्टेंस बन के जो निकल के आ रहे हैं। और दूसरा जो लेवल है हमारे पास 18,183 का लेवल है। तीसरा लेवल है 18,242 का लेवल। यहाँ तक के लेवल आपको निफ्टी में देखने को मिल जाएंगे अगर गैप डाउन ओपनिंग होकर अपसाइड निकलने की कोशिश करती है। तो समझ लीजिए निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग होकर यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल बनाती है इस तरह से, तो 15 मिनट की बेरिश कैंडल क्लोज होते ही हम दूसरी तीसरी कैंडल पे पी साइड एंट्री लेंगे 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के। पहला हमारा टारगेट है 17,930 का लेवल। दूसरा जो टारगेट है हमारे पास निफ्टी में निकल के आ रहा है सपोर्ट बन के, वो है 17,866 का लेवल। यहाँ तक के लेवल हमें देखने को मिल जाएंगे निफ्टी में अगर पुट साइड आने की कोशिश करती है निफ्टी कल के दिन। तो समझ लीजिए निफ्टी गैप अप ओपनिंग होकर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाती है 15 मिनट की इस तरह से, तो 15 मिनट की कैंडल क्लोज होते ही हम सी साइड बैठेंगे 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के। पहला टारगेट है 18,242 का लेवल। दूसरा जो टारगेट हमारे पास निकल के आ रहा है निफ्टी में, वो है 18,317 का लेवल। यहाँ तक के लेवल आपको निफ्टी दिखा सकती है अगर अपसाइड निकलने की कोशिश करती है। समझ लीजिए निफ्टी यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होकर यहाँ पे कोई बेयरिश कैंडल बना देती है 15 मिनट की, तो 15 मिनट के कैंडल क्लोज होते ही हम पी साइड बैठेंगे 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के। पहला टारगेट हमारे लिए जो होने वाला है 18,134 का लेवल है। दूसरा टारगेट है यहाँ पे 18,080 का लेवल। और तीसरा टारगेट हमारे लिए निकल के आ रहा है 18,000 का जो राउंड फिगर लेवल है, वो हमारे लिए सपोर्ट बन के निकल के आ रहा है निफ्टी में। समझ लीजिए 18,000 का लेवल भी ब्रेक कर जाती है निफ्टी इस तरह से प्रोजेक्शन बना के, तो हमारे लिए चौथा लेवल निकल के आ रहा है 17,930 का। यहाँ तक ये लेवल हमें निफ्टी दिखा सकती है। चलिए देख लेते हैं टिप क्या निकल के आ रही है कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी में, जो आपको एक अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेड दे सकती है। देखिए बैंक निफ्टी में एक ट्रायंगल पैटर्न बन के निकल के आ रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अगर ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट अपसाइड हो जाता है इस तरह से, तो हम अपसाइड एंट्री ले सकते हैं, सी साइड अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। और अगर ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन हो जाता है इस तरह से, तो हम गैप डाउन का ये जो गैप फिलिंग का है वो फ़ायदा उठा सकते हैं, गैप फिल होने तक का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर इसे भी ब्रेक कर जाती है तो हम डाउन साइड अच्छा खासा यहाँ तक का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 42,200 तक अगर हमें बैंक निफ्टी दिखा सकती है लेवल, तो हम 42,200 तक का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं कल के दिन।
तो ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने का वेट करना हमें निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी में भी ट्रायंगल पैटर्न बन के निकल के आ रहा है। निफ्टी एक जोन में फंसी हुई है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक जोन में फंसी हुई है निफ्टी। जैसे ही निफ्टी इस जोन से बाहर निकले के अच्छा खासा मूवमेंट अपसाइड दे सकते हैं या फिर डाउन साइड दे सकती है। तो जिस जैसे ही निफ्टी यहाँ पर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करती है तो हमें अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है निफ्टी में। ब्रेकडाउन में भी अच्छा खासा हमें निफ्टी में भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये ट्रायंगल पैटर्न जो है आपको अपने चार्ट में लगा के रख देना है। जैसे ही इसका ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है तो हम एक ट्रेड अच्छे खासे ले सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही कर सकते हैं। सारी स्ट्रैटेजीज़ की वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी, या और भी स्ट्रैटेजीज आप देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं दोस्तों। टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख के कल के दिन अच्छा खासा प्रॉफिट कर सके। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।